आज हम बनाएंगे नारंगी ऑरेंज पिकल। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं खट्टा मीठा नारंगी ऑरेंज पिकल रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं नारंगी का खट्टा मीठा अचार रेसिपी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू खाना खजाना सुषमा। मैं हूँ आपके साथ सुषमा चौधरी। नारंगी पिकल बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम नारंगी ले ली है, जिसे हमने साफ पानी से धोकर और सूखे कपड़े से पोंछ कर ले लिया है। सबसे पहले हमें नारंगी को कट करना है, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले नारंगी को कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए आप, इस तरीके से हमें नारंगी को कट कर लेना है और इनके बीजों को हटा कर लेना है। तो सभी नारंगी को इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए आप, बीजों को हमें हटा देना है इनके। कर लेते हैं सभी को कट। तो ये देखिए आप, नारंगी को हमने कट करके ले लिया है। अब हमें इसके बीजों को निकालना है, तो बीजों को भी निकाल लेते हैं। तो बीजों को निकाल लेते हैं इस तरीके से। हमें बीजों को निकाल लेना है, बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। सभी को निकाल लेते हैं एक एक करके। तो ये देखिए आप, बीजों को हमने हटा कर ले लिया है। अब हमें ऐड करने हैं अचार में मसाले, तो कर लेते हैं। ये देखिए आप, अचार तैयार करने के लिए हमने ये कुछ मसाले ले लिए हैं। मसालों में हमने 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर ले लिया है, 1 छोटा चम्मच हमने दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने सॉल्ट ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच हमने ब्लैक सॉल्ट ले लिया है, 1 छोटा चम्मच हमने दरदरा कुटा हुआ अजवाइन ले लिया है, 1 कप लिया है हमने शुगर। नारंगी पिकल को 2 तरीके से बनाया जाता है, तेल के साथ में और बिना तेल के। तो आज हम बिना तेल वाला नारंगी पिकल तैयार करेंगे। अचार तैयार करने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है, नारंगी डाल देते हैं। अब ऐड करने हैं हमें मसाले, ऐड कर देते हैं। अजवाइन डाल दिया है मैंने, ब्लैक सॉल्ट, अब डालेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली। मसालों को मिक्स कर देते हैं अच्छे से। मसालों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ऐड करना है शुगर। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो ये देखिए आप, सभी मसालों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। नारंगी पिकल हमारा एकदम रेडी है। जार ले लेते हैं, एक जार में भर लेते हैं अचार को। तो ये देखिए आप, एक साफ सुथरा हमने एक कांच का जार ले लिया है, इसमें भर के ले लेते हैं अचार को। एक बात हमें ध्यान रखना है, जार हमारा बिल्कुल साफ और सूखा होना चाहिए अचार रखने वाला। तो ये लीजिए, सभी अचार को हमने जार में भर के ले लिया है। तो ये देखिए आप, नारंगी पिकल को हमने एक जार में भर के ले लिया है। अचार बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारे हाथ बिल्कुल साफ और सूखे होने चाहिए, और जिस स्पून से हम अचार को निकालें वो स्पून साफ और सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ऐसा करने से हमारा अचार पूरे 1 साल तक खराब नहीं होगा। तो ये देखिए आप, नारंगी का खट्टा मीठा अचार हमारा एकदम तैयार है। 10 से 12 दिन के बाद अचार पूरी तरीके से खाने के लिए तैयार हो जाएगा। नारंगी का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। टेस्टी होने के साथ साथ ये अचार हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये पाचन के लिए अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर आपको नारंगी पिकल रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना खजाना सुषमा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।